मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर सूचना और लोक संपर्क विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कार्यक्रम में विकास पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार निश्चित खरा उतरेगी। हमने कई ऐतिहासिक निर्णय और राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। आने वाले समय में भी हम जनहित को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं चलाएंगे। उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। हम उत्तराखंड में भी कार्य संस्कृति में सुधार ला रहे हैं। राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ, विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर राज्य बनाने के लिए हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। भाइयों बहनों, ये 100 दिन का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 दिनों में हमने संकल्प, समर्पण और प्रयास तीनों के साथ लेकर, मिलकर, तीनों को मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हमने कदम बढ़ाए हैं, सदैव हुए कदम बढ़ाए हैं। मैं सबसे पहले तो आज 100 दिन पूरे होने पर, चूंकि औपचारिक रूप से वैसे तो आप सब लोग समय समय पर लिखते रहे हैं, आप मीडिया चैनलों में हो या हमारे प्रिंट मीडिया में हो, सारे में किसी न किसी माध्यम से आप लोगों से साक्षात्कार होता रहा है।